तो भाई गोपेश्वर भी इतना सुंदर और प्यारा लगता है नाइट व्यू में, भाई मज़ा आ गया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आपका स्वागत प्रणाम है उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव पुलना विलेज में। तो भाई अभी मैं फिर से कहीं जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ। गोपेश्वर जाना है, थोड़ा बाइक की भी सर्विसिंग करानी है, टायर चेंज करना है, और वहीं से कहीं ट्रिप बनेगा तो वहाँ भी ज़रूर जाएंगे। फिलहाल अभी धूप है और लगभग 11:30 बज रहे हैं, तो 3-4 घंटे का रास्ता है मैक्सिमम यहाँ से गोपेश्वर। बस रोड खाली रहे, बाकी यार मौसम बढ़िया ही है, कोई दिक्कत। तो भाई निकल पड़ा हूँ अकेले अकेले अपने बैग बोरी बिस्तर के साथ साथ, तो चलते हैं आराम से राइड करते हैं। भाई अब जो ये नया वाला रास्ता बना, बहुत ज़्यादा डर लगता है, छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं, पता 4 बार तो ऐसा हो गया कि हमने इतने बड़े बड़े पत्थर देखे। एक दिन ऊपर हिमालयन थार था, उसकी वजह से गिरा होगा, इतना बड़ा चट्टान, धूल ही धूल हो गई थी, वो सीधा सड़क पे भी नहीं टकराया, वो ऊपर पहाड़ी से टकरा के सीधा नीचे गिरा वो पत्थर, इतना बड़ा। और हम वहाँ पे वीडियो शूट कर रहे थे भाई, इतना डर लगा ना, उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई कि बाइक चला करके इस रास्ते से वापस आए। भाई आजकल पहाड़ों में ना देखो जो ग्रीनरी है वो बहुत कम हो चुकी है, पूरे येल्लो येल्लो हो चुके हैं ग्रास। भाई ऐसी पतली सड़कों में ना अगर कुछ बड़ी ट्रक आ गया, बड़ी गाड़ी आ गई ना, तो वह टेक करने का कोई चांस ही नहीं बनता, देखे इतनी पतली सड़कें हैं। भाई आजकल पूरे जोशीमठ शहर के आसपास के गाँव में ना इतनी सारी शादियाँ हो रही होगी, देखिए इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा है, मतलब शादियों का ही सीजन चलता है अभी, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तक भी, और उसके बाद मार्च और अप्रैल में थोड़ा बहुत। भाई सुबह निकलो तो ना शाम ही हो जाती है, देखो धूप भी जाने वाली है, मौसम अभी बढ़िया सा हो रखा है, मतलब ऐसे में राइड करने में मज़ा आता है। और आज मैंने ज़्यादा ही स्लो बाइक राइड करी है ना, तो टाइम भी ज़्यादा लगा, बट मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर या देखते देखते आ पाया हूँ पूरे पहाड़ों को, मतलब बहुत अच्छा लग रहा, क्योंकि जो नेचर के कलर होते हैं ना हर सीज़न में वो अलग अलग होता है, तो मज़ा ही आता है। भाई चमोली तो पहुँच गया हूँ और यहाँ से मैं मुड़ता हूँ गोपेश्वर की तरफ। मुझे मालूम भी नहीं है भाई टायर कहाँ पर रखा है, रॉबिन फ़ोन करेगा, रॉबिन ने बोला आगे आगे जाओ। यहाँ पे है बैग भी आगे चिपका रखा था, यहाँ भी बैग है, पीठ में भी बैग है और टायर, अब इसको गले में टांग करके पहले गोपेश्वर जाना पड़ेगा, वहीं टायर लगेगा, बड़ी समस्या होगी भाई। तो भाई अभी मैं टायर ना देखे कैसे गले में टांग करके लेके जा रहा हूँ थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा है, कोई नहीं थोड़ा ही और है, 20-25 मिनट और ऐसे ही धीरे धीरे चलूँगा। जैसे तैसे पहुँच ही गया हूँ मैं, क्योंकि कभी टायर इधर इधर लुढ़क रहा था, कभी उधर अनबैलेंस हो रहा था बीच बीच में थोड़ा, इसलिए मैं धीरे धीरे से लाया, पहुँचने ही वाला हूँ भाई, बहुत खुशी हो रही है। हाँ लंबा टूर में रहता है ऐसे टायर गले में डालने में तो फिर तो भाई बहुत आफत आ जाती। तो भाई पहुँच गया हूँ जैसे तैसे गले में हार टाँकते हुए, ये टाँक रखा था गले में मैंने ऐसे करके भाई ले करके आ गया। अब चाय पी करके फिर चलते हैं सीधा रॉबिन के साथ, रॉबिन ही लगा सकता वैसे टायर तो, अरे वो उस पे स्क्रैच पड़ जाते हैं रिम पे तो चलो अभी चलते हैं। बाकी यार गोपेश्वर का भी व्यू बहुत अच्छा हो रखा है, नज़ारे, और कल हमने इधर से जाना है। ताई जी प्रणाम, ताई जी चाय बना दिया, मतलब 1 मिनट हो रहे और चाय बन गई, तब आने से पहले ही बोल दिया था रॉबिन ने चाय बना दो क्योंकि टायर लगाना है ना मेरे, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। ये क्या फोड़ रहा भाई पटाखे, दिखा पता नहीं क्या फोड़ रहा भाई, ये दिवाली मना रहा है, बाइक में फोड़ रहा। तो भाई पूरा बाजार छान मारा, अब जा करके मिला भाई टायर चेंज करने के, लेकिन यहाँ पे हवा नहीं होगी, हवा कहीं और से भरनी पड़ेगी, ये देखो। चलो अच्छी बात है, आगे ना रामलीला चल रही है, देखो कितना शोरगुल हो रहा है पूरे मार्केट में। तो भाई अभी तक घर नहीं पहुँचे हम, 8 बजने वाले हैं यहाँ पे। अपने सुशील भाई प्रोफेसर एक्सप्लोरर भाई, लास्ट ईयर हम गए थे, अपने कहाँ गए थे, गुप्तकाशी, गुप्तकाशी कालीमठ, और भाई के शादी थी, भाई के भैया की शादी थी, पर आजकल इतनी शादियाँ थी ना, मतलब क्या बताएं, अटेंड ही नहीं हो पा रही थी, तीन तीन चार चार तो अपने ही गाँव में थी, कभी इधर कभी उधर, तो ऐसे ही होता है। तो इसलिए भाई मिठाई खाने के लिए हम आ गए थे, ताकि बुरा ना माने, ताकि ऐसा ना हो कि अपनी शादी में ना बुलाए बिल्कुल नहीं बुलाते तो भाई पूरी रात ही हो गई है,
अब थोड़ा आपको कुछ देर में ड्रोन शूट दिखाएंगे गोपेश्वर मार्केट का कैसा लगता है। जोशीमठ तो आपने देखा बड़ा प्यारा लगता है, सेम टू सेम थोड़ा अप्रॉक्स वैसे जोशीमठ की तरह लगेगा। मोमोज पैक करा के लाए थे और मैं एक दिन बोल रहा था कि भाई जोशीमठ के मोमो अच्छे नहीं होते, देहरादून के होते, तो गोपेश्वर के भी अच्छे होते हैं, मेरे को नाम भूल गया था मैं उस टाइम पे अचानक। तो यहाँ के भी मोमोज बहुत टेस्टी होते हैं, तो जहाँ पे बहुत सारे स्टॉल है कहीं कहीं पे अच्छे होते हैं, तो रॉबिन को पता है भाई कहाँ पे अच्छे होते हैं, तो वहीं के टेस्ट करेंगे आज हम। तो दोस्तों अभी हो गया डिनर और सभी लोग थके हुए हैं भाई, आज मैं भी थका हूँ। पूफू जी भी आई है मेरे और ताऊ ताई जी लोग कल जाने वाले हैं, हम सब लोग त्रिजुगी नारायण जाने वाले हैं, जहाँ पे भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की सदियों से वहाँ पे मतलब जो अग्नि है जल रही है, क्योंकि वहाँ पे शिव जी और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। मैंने एक पुरानी स्टोरी बताई थी जो तपोवन वाली, जहाँ पे माता पार्वती जी ने हजारों सालों तक तपस्या करी थी, वहाँ पे शिव जी भगवान जी पहली बार मिले थे, उसके बाद त्रिजुगी नारायण में शादी हुई थी माता पार्वती, माता सती और भोलेनाथ जी की। तो कल हम वहाँ जाने वाले हैं और शादी भी देख ही लेंगे भाई कैसे होती है वहाँ पे, तो वहाँ चलेंगे। अभी क्या हो गया कि खाना इतना ज्यादा खा दिया, फास्ट फूड खा दिया, अभी खाना खाया, शादी में जा रहे खाना खाने, अब शादी पे जा रहा है रॉबिन खाना खाने के लिए, नहीं ये झूठ है, अभी खाना पचाने के लिए हम जा रहे हैं थोड़ा ऐसे। शादी में घुस रहे, चल। कौन सी शादी में, यहाँ पे पता नहीं किसकी है, चल सही में जा रहा क्या, ओ भाई मत जा, अरे ओए आ जा, अरे कहाँ जा रहा भाई, ये तो सही में चला गया है, अच्छा आइसक्रीम खा के आते। तो पहले देहरादून में ऐसे ही होता था जब हम रहते थे बैचलर रहते थे कॉलेज टाइम में, तो कहीं भी आसपास वेडिंग पॉइंट रहता था, हम चल जाते थे आइसक्रीम खाने, रसगुल्ले खाने, मोमो चाउमीन खाने, तो अभी आदत नहीं छूटी इसकी, मैं नहीं ये जाता था। तो भाई अभी कुछ ऐसा है शहर, गोपेश्वर शहर, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा भाई, पूरा चमक रहा है और बहुत अच्छी लोकेशन लग रही है। देखो मार्केट पहुँच चुके हैं और आज रामलीला का समापन था, तो इतनी ज़्यादा तेज आवाज़ें आ रही ना मार्केट में, भीड़ देखिए इतनी ज्यादा है यहाँ नाथ महादेव के पास भी हम आएंगे टहलते टहलते, रामलीला भी देख ली, यहाँ भी दर्शन हो गए, बहुत मज़ा आ रहा भाई टहलने में ना, शोरगुल है हल्ला गुल्ला है तो अच्छा ही लगता है। थोड़ा आगे आए हम, देखो तो यहाँ ना दोस्तों रुद्रनाथ महादेव की जो डोली आती है वो यहाँ पे रहती है पीछे वाले उसमें, उधर कहीं रख। छोड़िए जगह की
फाइनली रूम पे पहुंच चुका हूँ। अब करते हैं सोने की तैयारी, क्योंकि 11 बज चुके हैं और इतना मजा आया ना आज रामलीला का, जो आज लास्ट दिन था वैसे तो। लास्ट दिन में ऐसे ही प्रोग्राम चलते हैं गढ़वाली गाने पे, तो डांस कर रहे थे उनको देख करके, बहुत मजा आता है। हमने भी किया, बस वो ऑफ कैमरे पे किया डांस, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, पर मजा बहुत आया। थोड़ा टहलना भी हो गया, खाना भी पची। अब सोने की तैयारी करते हैं। कल लगभग 100 किलोमीटर का ट्रिप होगा हमारा बाइक में। कालीमठ जाएंगे सबसे पहले माता जी के दर्शन करने, फिर उसके बाद जाएंगे हम त्रियुगी नारायण। तो दोस्तों फिलहाल इसके साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।